हेलो फ्रेंड्स, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और होली स्पेशल मिनी खस्ता कचौड़ी। ये बहुत ही खस्ता और करारे बने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे 10-15 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आज हमें बहुत ही इजी मेथड से बनाने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आप इसी ट्रिक से कचौड़ी बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी भी बहुत ही खस्ता और करारी बनेगी। तो चलिए बिना रुके इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप धुली हुई उड़द की दाल ली है। इसे मैं मिक्सर जार में डाल देती हूँ। और ये 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है, इसे भी मैं मिक्सर जार में डाल देती हूँ। अब मैं इसे हल्का सा दरदरा ग्राइंड करूँगी। तो ये देखिए, हमें इस तरह से दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब हम दाल को एक बाउल में डाल देंगे और पानी डालकर एक बार अच्छे से वॉश करेंगे। मैंने ड्राई दाल को इसलिए ग्राइंड किया है क्योंकि जब दाल फूल जाती है तो ग्राइंड करने के बाद कभी कभी दाल में पानी ज़्यादा रह जाता है और दाल को भूनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप इस तरह से दाल पहले ग्राइंड करके भिगो कर रखेंगे तो आपको ये दाल भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका जो ये पानी है इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम दाल को पानी से भिगो कर 2 घंटे फूलने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, तो ये देखिए हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम एक बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर को रखेंगे और इसके ऊपर कॉटन का साफ कपड़ा रखेंगे। दाल को इसमें डाल देंगे ताकि दाल में जितना भी पानी है वो निकल जाए। अब हम कपड़े को चारों ओर से पकड़कर इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह से इसका पानी निकाल देंगे। इसे हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और ये जो दाल का पानी है इसे आप आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रोसेस की ओर। तो अब हम यहाँ पर मैदा का डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ली है। मैदा में हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 1 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। देसी घी से कचौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम मैदा और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को डालकर आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आटे में अच्छे से मोयन लग जाए, इसका अच्छा सा क्रम्बल टेक्सचर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए आटा इस तरह से हो जाना चाहिए। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे गूंथ लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप से भी कम पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा को गूंथेंगे। आटा को हल्के हाथों से गूंथना है, इसको ज़्यादा मलना नहीं है। बस आटा को इस तरह से इकट्ठा करके डो तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इस आटा को गूंथने के लिए मैंने 1/2 कप से भी कम पानी का इस्तेमाल किया है। बस आटा को इस तरह से इकट्ठा करके डो तैयार कर लेना है। तो ये हमारा सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े से ढककर 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन गरम होने के लिए रख दिया है। पैन के गरम होते ही हम इसमें 2 चम्मच धनिया के बीज डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची जिसके मैंने सीड्स निकाल लिए हैं, 3-4 लौंग और 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल साबुत लाल मिर्च डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। मसाले आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। ये हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इन्हें 5 मिनट ठंडा होने देते हैं और इसके बाद इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डालकर हल्का सा दरदरा पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए हमें इस तरह से दरदरा पाउडर बनाना है। तो ये हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारी दाल से भी सारा पानी निकल गया है। अब हम इसे भून लेंगे। इसके लिए मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। पैन के गरम होते ही इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गरम होते ही हम इसमें दाल डाल देंगे और दाल को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। ये दाल एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। इसे भूनने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है।
फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तभी इसे 10-15 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और ये ड्राई ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये दाल एकदम ड्राई हो गई है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारे मसाले ऑलरेडी भुने हुए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने जो मसाला पीस कर तैयार किया था, 3 चम्मच मसाला दाल में डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे और इन मसालों को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी दाल की फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। इस फिलिंग को गर्मा गर्म मत भरिएगा, नहीं तो कचौड़ी के फटने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ठंडा होने के बाद ही फिल कीजिएगा। यहाँ हमारा आटा भी सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। हम यहाँ पर मिनी कचौड़ी बना रहे हैं इसलिए छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ी लोइयाँ मत बनाइएगा। ये मैंने इस तरह से लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और हमारी यहाँ पर स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक लोई लेंगे और हाथ से ही इसे इस तरह से पूड़ी की तरह फ्लैट करेंगे। हम इसे बेलेंगे नहीं, हल्का सा कटोरी जैसा शेप देंगे और 1 चम्मच फिलिंग इसके सेंटर में फिल करेंगे और इस तरह से चारों ओर से इसे अच्छे से सील कर देंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे बहुत अच्छे से सील करना है क्योंकि इसमें मोयन बहुत ज़्यादा है और अगर इसे अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो ये फ्राई करते समय खुलने लग जाएगी। तो इसे बहुत अच्छी तरह से सील कीजिएगा। तो ये देखिए हमें इस तरह से कचौड़ी फिल करके तैयार करना है। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी कचौड़ियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमें मीडियम गर्म करना है। एक छोटी सी बॉल डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा तेल हल्का मीडियम गर्म हो चुका है। बस तेल का हमें इतना ही टेम्परेचर रखना है। तो हम एक एक करके ये कचौड़ियाँ तेल में डाल देंगे। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर एक खस्ता कचौड़ी बना रहे हैं। अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल दिया तो ये ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कचौड़ियाँ कच्ची रह जाएंगी क्योंकि इसकी जो लेयरिंग है थोड़ी मोटी होती है। अभी हम इनको ऐसे ही सिकने देंगे और थोड़ी देर बाद इन्हें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इन्हें सेकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। तो आप इन्हें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा। ये हमारी कचौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। इन्हें हम निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख देते हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इसी तरह से बाकी की कचौड़ियाँ भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। ये हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी लेयरदार और एकदम खस्ता कचौड़ी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ये कचौड़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।